बॉडी पार्ट्स नेम के बारे में बताया गया है। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे उसमें पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे बच्चे के अकॉर्डिंग कुछ पार्ट्स बताए गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में एक बॉय है और वो काइट लिए हुए हैं, काइट को उड़ा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम हेड से शुरू करते हैं, ये हेड है। फिर उसके बाद में फॉरहेड, हेड के जो जस्ट नीचे का जो एरिया आता है वो आपका कहलाता है फोरहेड। और ये जो है आपके जो हेड के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक कलर के बाल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेयर, हेयर कहते हैं। और फिर जस्ट हेड है, पहले सबसे पहले आपका हेड है, फिर फोरहेड, फिर उसके जस्ट यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं आपका क्या है, कान। कान को इंग्लिश में बोलते हैं ईयर, ईयर जो है दोनों साइड में होते हैं ईयर। और फिर उसके जस्ट नीचे ईयर के बाद में यहाँ पे दिया हुआ है मुंह, यानी कि माउथ, माउथ। फिर जस्ट माउथ के नीचे क्या है, नेक। फिर उससे नीचे हम चलते हैं इस साइड में तो यहाँ पे नोज, नोज को नाक भी, नाक कहते हैं और इंग्लिश में नोज कहते हैं। ये चिक, गाल को चिक कहते हैं इंग्लिश में, गाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चिक, चिक कहते हैं। फिर जस्ट नीचे अब जब आप आएंगे मुंह के नीचे वाला जो एरिया होता है ना, वो कहलाता है आपका चिन। क्या कहलाता है? चिन, चिन, चिन। और फिर जस्ट चिन के नीचे आएंगे नेक, नेक आपका आ गया। फिर नेक मीन्स गला, नेक मीन्स गला। गले के जस्ट नीचे जब आप आएंगे तो ये आपके दोनों साइड में क्या होता है, शोल्डर, यानी कि कंधे, कंधा इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं शोल्डर। क्या बोलते हैं? शोल्डर, हाँ। कंधे के नीचे जब आप आएंगे तो ये जो वाला एरिया होता है वो आपका कहलाता है चेस्ट। आप लोग बोलते हैं सीना, इंग्लिश में बोलते हैं चेस्ट, ठीक है। और बॉडी भी बोल लेंगे, हाँ। बॉडी तो ये आपकी पूरी हो जाएगी, बॉडी से रिलेटेड ये सारे पार्ट हैं। ये हमारी बॉडी है पूरी, पूरी जो आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में, ये पूरी आपकी बॉडी कहलाएगी। और फिर ये सारे जो आप देख रहे हैं, नोज है, माउथ है, ईयर है, फॉरहेड है, हेड है, हेयर है, नोज है, जितनी भी चीज़ें हमने बताई ये आपके बॉडी के सारे पार्ट हैं। क्या है? पार्ट। इन्हीं से हमारी बॉडी जो होती है पूरी कंप्लीट होती है। इन सब पार्ट से मिलके हमारी क्या क्या बनती है, बॉडी बनती है। अब ये चेस्ट हो गया, फिर ये आप यहाँ पे देख रहे हैं हैंड, हैंड के पास में क्या है, ये आर्म, जो ऊपर का एरिया होता है हैंड में आपका, वो क्या कहलाता है, आर्म। और ये सब जो आप उंगलियाँ हैं इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिंगर्स। क्या कहते हैं? फिंगर, फिंगर। फिर उसके बाद में जो फिंगर के एक बाद में आप देखते हैं थम्स होता है, जो आप हमेशा अपने दोस्तों को दिखाते हैं अंगूठा, यानी कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, थम्स। फिर हम नीचे आते हैं, नीचे आपकी ये नी है, जो आपका घुटना होता है उसको हम क्या कहते हैं, नी कहते हैं, ठीक है। और ये आपका जो पूरा आप देख रहे हैं, नी इसी में है, आपका थाई भी इसी में है, थाई यानी कि जांघ, जो जहाँ पे आप नेकर पहनते हैं उसके नीचे का जो यहाँ पे एरिया है वो आपका थाई कहलाता है, यानी कि जांग। और थाई और नी और पूरा मिला के आपका क्या बन जाता है, लेग। ये पूरा आपका लेग है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पैर के नीचे, यहाँ पे नीचे एड़ी होती है, जहाँ पे आप जो स्लीपर पहनते एकदम एट लास्ट में आप देखते हो जो एरिया होता है वो आपका क्या कहलाता है, हील, हील। हिंदी में एड़ी कहते हैं, इंग्लिश में हील कहते हैं। और ये जो पूरा आपका नीचे का वो होता है, वो कम्प्लीटली जो होता है पूरा आपका पैर, वो कहलाता है फुट। क्या कहलाता है? फुट, फुट। और जो आपका अंगूठा होता है पैर वाला, उसको कहते हैं टो।